नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। ओबामा के सत्ता में कुछ आखिरी दिन पहले काले राष्ट्रपति के दौर में क्या कम हो सका नस्लीय भेदभाव। बांग्लादेश में पुलिस अधिकारियों समेत 26 को सुनाई गई मौत की सजा, राजनीतिक कारणों से हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला। इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं इंग्लैंड के अधिकारी, कहा कमजोर कानून बढ़ा रहे हैं खतरा। डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारी पर नया शोध, बीमारी का पता चलने से कई साल पहले पेंटिंग्स में नजर आने लगते हैं बदलाव। और आखिर में बंद होगा द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, अमेरिका का मशहूर सर्कस मई में करेगा अपना आखिरी शो। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस शुक्रवार को व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले उन्होंने 1960 के दशक में नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़ी जगहों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। 8 साल तक काले राष्ट्रपति के सत्ता में रहने के बाद क्या अमेरिका में नस्लीय भेदभाव कम हुआ है, इस सवाल पर राय बटी हुई है। नस्लीय हिंसा के केंद्र में रहे अमेरिकी राज्य अलाबामा से ये है अली मकबूल की खास रिपोर्ट। अमेरिका के अलाबामा प्रांत के इस चर्च पर विस्फोट में 4 अफ्रीकी मूल की अमेरिकी लड़कियां मारी गई थीं। बराक ओबामा ने अब इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। डेनिस मैकनेयर भी उन 4 लड़कियों में से एक थी। ओबामा ने डेनिस के परिवार से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। डेनिस के रिश्तेदार लीसा का मानना है कि बीते 8 सालों में ओबामा ने अफ्रीकी अमरीकियों की हालत में सुधार किया है। The perception was black was bad. Black people aren't smart. अरसे से ये कहा जाता है कि काले लोग बुरे होते हैं, स्मार्ट नहीं होते। ओबामा ने इस मिथक को तोड़ा है। वो पढ़े लिखे हैं, तेज तरार हैं, उनसे बेहतर पहला अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हो सकता था। लेकिन अमेरिका में कई हैं जो ओबामा के जाने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बराक ओबामा इस पीढ़ी के सबसे विभाजक राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने नस्ल के मुद्दे का इस्तेमाल किया। मैं मार्टिन लूथर किंग से सहमत हूं कि व्यक्ति को उसके रंग नहीं बल्कि किरदार से पहचाना जाना चाहिए, लेकिन ओबामा लोगों को अपने चमड़ी के रंग की याद दिलाते रहे। अमेरिका में कई लोग इस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं दिखते। I think he tried really hard. ओबामा ने इस धारणा से बचने की बहुत कोशिश की कि वो सिर्फ काले लोगों के लिए हैं। मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जो नस्लीय रूप से विभाजक हो, लेकिन पुलिस की गोली से काले लोगों की मरने की घटना ने लोगों का ध्रुवीकरण किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ओबामा की तारीफ कुछ लोग इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि वो काले हैं। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर। टर्किश एयरलाइंस का एक कार्गो विमान किर्गिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कम से कम 37 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर जमीन पर ही थे। विमान हांगकांग से इस्तांबुल जा रहा था और बीच में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाहर मानस एयरपोर्ट पर उसे रुकना था। दुर्घटना में कम से कम 15 इमारतें ध्वस्त हो गईं। दक्षिण कोरिया में सैमसंग के कर्ताधर्ता ली जियोंग की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर वारंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के एक दोस्त को एक व्यावसायिक डील के लिए लाखों डॉलर रिश्वत देने का आरोप है। वो इन आरोपों को खारिज करते हैं। इसी से जुड़े एक मामले के चलते वहां के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। बांग्लादेश में एक अदालत ने 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इनमें से कई विशेष पुलिस यूनिट के सदस्य भी हैं। ये 3 साल पहले राजनीतिक कारणों से की गई 7 हत्याओं का मामला था। इस बारे में बीबीसी संवाददाता अकबर हुसैन ने ढाका से और जानकारी दी। 3 साल पहले ढाका के पास नारायणगंज जिले में 7 हत्याएं हुई थी। कानून व्यवस्था एजेंसियों के लोगों ने एक स्थानीय नेता और वकील समेत 7 लोगों को क्रिकेट के एक मैदान से अगवा कर लिया था। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया था। उन्होंने ये अपहरण एक और स्थानीय नेता के कहने पर किए थे। बाद में उन लोगों के शव पास की नदी में मिले थे। ये हत्याएं स्थानीय काउंसिल की सत्ता पर कब्जा करने की लड़ाई के तहत हुई थी। अब 3 साल बाद बांग्लादेश के कोर्ट ने इस मामले में शामिल 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसमें बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन और उच्च पुलिस फोर्स के लोग भी शामिल हैं। कानून मंत्री का कहना है कि इससे साफ होता है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। स्कूली बच्चों को इंटरनेट पर डराने, धमकाने, गलत कामों में शामिल करने का चलन बढ़ता जा रहा है। ये चेतावनी इंग्लैंड में बच्चों की देखरेख के लिए जिम्मेदार संस्था के सबसे बड़े अधिकारी ने दी है। पर्याप्त कानून नहीं होने की वजह से समस्या और जटिल हो गई है।
बच्चों को अक्सर फोन में नजर गड़ाए हुए देखा जा सकता है। इंग्लैंड में बच्चों की देखभाल के लिए काम करने वाले सबसे बड़े सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इंटरनेट की दुनिया में ये बच्चे बिना किसी ठोस कानून के सुरक्षित नहीं हैं। एक नई रिपोर्ट में इन कानूनों को कड़ा करने की मांग की गई है। सभी एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं। सरकार को ही निजता के कानूनों के बारे में कुछ कदम उठाने होंगे। सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने की शर्तें अक्सर 4-5 पन्नों की होती हैं। ऐसे में बच्चे अपनी निजी जानकारी को लेकर किन शर्तों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वो उनसे वाकिफ नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का कहना है कि उनकी वेबसाइट्स केवल 13 साल से बड़े लोगों के लिए ही उचित हैं और इससे छोटी उम्र के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम तो हैं लेकिन काफ़ी नहीं। और अब एक नजर बीबीसी शॉर्ट्स पर। इनसे मिलिए। चीन के उष्णकटिबंधीय जंगलों में हाल ही में पाई गई गिब्बन बंदरों की इस प्रजाति को स्काई वॉकर हुलॉग गिब्बन नाम दिया गया है। एक वजह यह भी है कि इनकी तलाश करने वाले वैज्ञानिक स्टार वॉर्स के बड़े फैंस हैं। कड़कड़ाती ठंड में जबकि चिड़ियाघर में सन्नाटा है, नोरा नाम का ये पोलर बियर बर्फ के मजे लूट रहा है। ओरेगन के चिड़ियाघर में ये बर्फ का पहला दिन था। जाहिर है नोरा के लिए खुद को काबू में कर पाना मुश्किल था। लंदन में एक कला प्रदर्शनी में दुनिया भर से शामिल कलाकारों ने दिखाने की कोशिश की है कि मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह देखा जाता है। खुद एक मनोरोगी रह चुके डेविड बील्स मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कला का इस्तेमाल करते हैं। 7 मशहूर कलाकारों की 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स के अध्ययन से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों की शुरुआत के बारे में और जानकारी मिली है। रिसर्च में सामने आया है कि ब्रश के स्ट्रोक और पेंटिंग करने के तरीके में हल्के बदलाव में दिमागी हालात के संकेत दिखते हैं। क्या पेंटिंग बनाने के तरीके में बदलावों के जरिए किसी कलाकार में दिमाग की बीमारियों के आगाज के बारे में और पता लग सकता है? एक नई रिसर्च में गणित और आर्ट के जरिए पता चला कि उन कलाकारों के दिमाग में क्या चल रहा होता है जिन्हें आगे चलकर डिमेंशिया जैसी बीमारियां होती हैं। फ्रैक्टल या आंशिक अध्ययन एक जटिल तरीका है जिसमें बार बार दिखने वाले पैटर्न को समझा जाता है। हमारे दिमाग और दिल की धड़कन का पैटर्न भी ऐसा ही होता है और एक कलाकार के ब्रश चलाने के तरीके में भी ये झलकता है। 7 मशहूर कलाकारों के 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स के अध्ययन में पैटर्न्स में हल्के बदलाव दिखे। हमने देखा कि जिन कलाकारों को आगे चलकर डिमेंशिया या पार्किंसंस की बीमारी हुई उनके फ्रैक्टल पैटर्न डायग्नोसिस के 20 साल पहले ही बदलने लगे थे। जैसे कि विलियम डी कुनिंग को अल्जाइमर्स था जिसका पता उनकी मौत के बाद लगा, लेकिन उनकी पेंटिंग्स में ब्रश स्ट्रोक्स में फर्क नजर आने लगा था। फिलहाल इस शोध से इन बीमारियों की रोकथाम में मदद नहीं मिलेगी लेकिन ये पता लगाने में मदद जरूर होगी कि दिमाग में किस तरह के बदलाव होते हैं। एक दौर था जब सर्कस मनोरंजन का बड़ा साधन हुआ करता था, लेकिन अब एक तरफ जानवरों के सर्कस में इस्तेमाल पर विरोध हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की पसंद भी बदल रही है। ऐसे में अमेरिका के 150 साल पुराने द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ नाम के सर्कस को बंद किया जा रहा है। रिंगलिंग ब्रदर्स और बार्नम बेली का ये सर्कस 146 साल तक लोगों का दिल बहलाता रहा। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ फिल्म को भी इसी सर्कस के सेट्स पर फिल्माया गया था। सालों तक ये सर्कस कामयाबी के शिखर पर रहा, खासकर अपने हाथियों के करतब की वजह से। लेकिन कई साल से सर्कस पशु संरक्षकों का विरोध भी झेल रहा है। 2016 में सर्कस ने हाथियों का इस्तेमाल बंद कर दिया। हमें अब जंगली जानवरों के बारे में उससे कहीं ज्यादा पता है जितना आज से 100 साल पहले पता था। हम जानते हैं कि वो अपनी खुशी से बॉल पर बैलेंस नहीं बना रहे होते बल्कि डर की वजह से ऐसा करते हैं। और जब से हाथियों का शो बंद हुआ है सर्कस को नुकसान ही हो रहा है। ये ऐसी कला है जिसने पूरी दुनिया को और इस देश को बदल दिया। इसने हमें बच्चों की तरह खुली आंखों से सपने देखना सिखाया। 100 से ज्यादा सालों तक छाए रहे इस सर्कस की इतिहास में खास जगह रहेगी। हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों के एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।